मैं डॉक्टर MV चंद्रकांत बोल रहा हूँ। मैं कैंसर का स्पेशलिस्ट हूँ नारायणा हॉस्पिटल एंड RN टैगोर हॉस्पिटल कोलकाता में। ये जो सितंबर का महीना है इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस मंथ। ये प्रोस्टेट होता क्या है? मेल्स पुरुष लोग में पेशाब के रास्ते में एक गोल जैसा एक ऑर्गन है उसको बोलते हैं प्रोस्टेट। इसका ये फंक्शन है कि ये यूजुअली प्यूबर्टी मतलब 12-14 साल के बाद इसका ग्रोथ होता है। इसका ये फंक्शन है कि जो वीर्याणु होता है जो सेमेन होता है उसके अंदर एक प्रोस्टेटिक फ्लूइड होने से ये जो स्पर्म्स है वो इजीली ट्रैवल हो सकता है और ये स्पर्म्स को न्यूट्रिशन मिलता है। ये है प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन। तो इसका जो ग्रोथ है ये प्यूबर्टी से अराउंड 14 साल से पकड़ के और सारा उम्र तक इसका ग्रोथ होता ही रहेगा, बड़ा होता ही जाता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो प्रोस्टेट है इसका ग्रोथ हार्मोन डिपेंडेंट है। मेल्स का हार्मोन हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स का हार्मोन हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन। जो मेल का जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन के वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड का ग्रोथ होता है और इसका ग्रोथ कंटिन्यू रहता ही है जब तक हार्मोन शरीर में है। और टेस्टोस्टेरोन जो है ये 14 साल के बाद ये रहता ही है शरीर में, इसीलिए 50-60 साल के बाद भी ये प्रोस्टेट का ग्रोथ होता रहता है। जब इसका ग्रोथ इतना ज़्यादा हो जाता है तो ये पेशाब का जो रास्ता है उसके ऊपर दबाव डालता है, इसीलिए प्रोस्टेट का जो भी तकलीफ है इसका पहला सिम्टम पेशाब में तकलीफ, हम बोलते हैं यूरिनरी डिफिकल्टी या लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स। हम तीन सिम्टम बोलते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स में। नंबर वन फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार पेशाब जाना। याद रखिएगा हमारा फादर है या ग्रैंडफादर है जो भी है जब बार बार पेशाब के लिए जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर टू अर्जेंसी मतलब पेशाब लगता है तो पकड़ ही नहीं सकते हैं, लगता है कि उधर ही हो जाता, अर्जेंसी। तीसरा हेसिटेंसी, इतना बार लगता है लेकिन जब टॉयलेट में जाते हैं तो बाहर आता नहीं है, उसको बोलते हैं हेसिटेंसी। जब ये LUTS या लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स कोई भी ओल्डर इंडिविजुअल अराउंड 50-60 ईयर्स मेल में होता है तो उसको बोलते हैं कि प्रोस्टेटिक सिम्टम्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये कैंसर का सिम्टम्स है। तो प्रोस्टेट का ऐसा ही बड़ा होता है सब में, एक बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया मतलब बिना कैंसर वाला प्रोस्टेट बढ़ने को बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। ये बहुत कॉमन है और इसका इलाज बहुत साधारण है, ये टैबलेट से हो जाता है या छोटा सर्जरी से हो जाता है, इससे कोई घबराने का बात नहीं है। दूसरा प्रोस्टेट कैंसर, तो ये सिम्टम्स होने से प्रोस्टेट कैंसर भी छुपा रह सकता है। इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए दो ही टेस्ट है इसके लिए। नंबर वन आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका प्रोस्टेट का कंसिस्टेंसी कैसा फील हो रहा है वो देख के वो बोल सकते हैं। एंड नंबर टू एक ब्लड टेस्ट है PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये दो टेस्ट करने के बाद हम आसपास बोल सकते हैं कि ये प्रोस्टेट कैंसर फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए स्कैन वगैरह बाद में करेंगे लेकिन डॉक्टर का एग्जामिनेशन और PSA टेस्ट करने से मोटा मोटी हम बोल सकते हैं कि ये प्रोस्टेट कैंसर का सिम्टम या प्रोस्टेट कैंसर जैसा लग रहा है नहीं लग रहा है। और प्रोस्टेट कैंसर के बारे में और थोड़ा जब जानेंगे तो हम आसानी से पकड़ तो लेंगे, बायोप्सी करके MRI करके पकड़ लेंगे। और ये यूजुअली अलग कैंसर जैसा शरीर में ईजिली फैलता नहीं, काफ़ी दिन पहले प्रोस्टेट जो पेशाब का रास्ता उधर ही रहता है, हम मान लो इग्नोर करेंगे नेग्लेक्ट करेंगे तब भी ये फैलता है। और इसका इलाज बहुत ईजी है अलग कैंसर के कंपैरिजन में, क्योंकि जो प्रोस्टेट का कैंसर और प्रोस्टेट का ग्रोथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से अवलंबित है। तो आप टेस्टोस्टेरोन को आप कुछ भी इलाज करके आप नीचे लाएंगे तो प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट भी रिग्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए हार्मोनल थेरेपी
बहुत अच्छा और इजी इलाज है प्रोस्टेट कैंसर के लिए। तो हम अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं तो एक रोबोटिक सर्जरी या रेडिएशन से भी हम इसको पूरी तरफ से ख़त्म कर सकते हैं। और आजकल इतना अच्छा टैबलेट्स आ गए जो हार्मोन्स को नीचे लाने के लिए, टेस्टोस्टेरोन को नीचे लाने के लिए, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। तो प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन कैंसर है और हम बोलते हैं कि 70 या 75 ईयर्स के ऊपर 4 आदमी में 1 आदमी को प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। और इसका मतलब नहीं कि सबको प्रोस्टेट कैंसर फैल जाएगा, उसके वजह से जान चला जाएगा, ये नहीं है। तो ये एसिम्प्टोमेटिक एक ही जगह में रह सकता है लंबा उम्र तक। तो प्रोस्टेट कैंसर होने से कोई डरना नहीं है। इसका डेंजर साइंस LUTS, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, आपको याद रखिएगा। ये होने से ज़रूर डॉक्टर के पास जाइएगा, जल्दी डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन एंड PSA टेस्ट करके स्क्रीन कर लीजिएगा। और जल्दी पकड़ने से ये काफ़ी चांस है कि ये कैंसर ना हो। कैंसर होता है तब भी इसका बड़ा अच्छा इलाज है जल्दी पकड़ने से। मेरा ये छोटा बात सुनने के लिए आप सब लोग को धन्यवाद। थैंक यू।